बहुत प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आज हम भारत देश के बारे में एक कविता पढ़ेंगे। इस कविता में यह बताया गया है कि जिस भारत देश की मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है और जिसका अन्न जल पाकर हमारा पालन पोषण हुआ है, उसके प्रति हमारा प्रेम होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिसके साथ हम रहते हैं, जो हमारा पालन पोषण करता है, उसका जो है उसे प्रेम होना स्वाभाविक ही है। स्वदेश प्रेम की भावना यानी देश प्रेम की भावना मनुष्य में सर्वोच्च बलिदान देने और जीवन को देश पर निछावर करने से भी नहीं चूकती है। और यही कविता में यही बात कविवर जो इस कविता के कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी ने इसी भावना को अपनी सुंदर लड़ियों में पिरोकर एक कविता का रूप दिया है और लिखा है कि देश प्रेम की भावना जो है वो सभी से ऊपर है। तो आज की जो हमारी कविता है उसका नाम है यह है भारत देश हमारा, और इसके जो कवि हैं वो हैं राम नरेश त्रिपाठी। कवि कहते हैं, चमक रहा उतंग हिमालय, उतंग मैंने होता है बहुत ऊंचा, तो वो कहते हैं कि जो हमारा हिमालय पर्वत है वो चमक रहा है, बहुत ऊंचा हिमालय पर्वत, अगर से दूर से देखें हम तो हमारे को दूर से ही चमकता हुआ नज़र आता है कि ये हिमालय पर्वत है। यह नगराज हमारा है, नगराज क्या होता है, पर्वतों का राजा, यह पर्वतों का राजा हिमालय हमारे देश में ही है। जोड़ रही धरती पर जिसका जिसके समान कोई दूसरा पर्वत नहीं है, इसीलिए तो हिमालय को पर्वतों का राजा कहा गया है। यह नगराज यानी पर्वतों का राजा हमारा ही है। नदी हमारी ही है गंगा, फलावित करती मधुरस धारा, फलावित होती है उमड़कर बहना, मधुरस होती है अमृत। कहते हैं हमारे तो देश में नदी बहती है गंगा, उसकी अमृत धारा बड़ी तेजी से बहती है, बहती क्यों नहीं और कहीं भी ऐसी पावन कलकल धारा। देश में कोई और ऐसी नदी नहीं, जगह नहीं है जहाँ पर संसार में जहाँ ऐसी पवित्र नदी बहती हो। सम्मानित हो जो सकल विश्व में, जो पूरे संसार में सम्मानित होते हैं, महिमा जिसकी बहुत रही और जिसकी महिमा का तो वर्णन ही नहीं कर सकते। अमर ग्रंथ वे सभी हमारे उपनिषदों का देश ही है, यहीं पर उन ग्रंथों की रचना हुई है जो आज भी हम पढ़े जाते हैं, याद करते हैं, और यहीं पर उपनिषदों की भी रचना हुई है। गाएंगे सब यश ही इसका, यह स्वर्णिम देश हमारा। फिर निराला जी कहते हैं कि हम सभी मिलकर इस देश के यश का गौरव गान करेंगे कि यह हमारा देश स्वर्णिम यानी सोने के समान है। आगे हमसे है कौन जगत में, यह है भारत देश हमारा। इस संसार में भारत से आगे कोई भी देश नहीं है, यही भारत देश सभी में बढ़कर है। यह भारत देश हमारा महारथी कही हुए जहाँ पर। फिर निराला जी कहते हैं कि यह भारत देश हमारा ही है जहाँ पर बहुत से महारथी पैदा हुए हैं। यह देश महिमम का स्वर्ण, इस देश की जो धरती है वो सबसे अच्छी है। क्यों? क्योंकि ऋषियों ने तप किया यहाँ पर ऋषियों ने तप किया। संसार में और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ऋषि मुनियों ने तप किए हों। यह देश जहाँ नारद के गूंजे मध में गान कभी थे, यह वही देश है जहाँ पर नारद आकर अपने मधुर शब्दों से अपनी वीणा बजाते हुए गान करते थे। यह देश है जहाँ पर बनते सर्वोत्तम समान सभी थे। यह वह देश है जहाँ पर सर्वोत्तम मैंने स्वयं को सबसे अच्छा बनाते हैं और सबको सबसे समान समझा जाता है। यह देश भारत, फिर वो कहती हैं कि यह वह देश भारत है पूर्ण ज्ञान का शुभ निकेतन। पूर्ण शुभ्र का मतलब होता है पवित्र और निकेतन का मतलब होता है घर, जहाँ पर ज्ञान का पवित्र घर है, जहाँ पर शिक्षा जो है ज्ञानवान दी जाती है, पूर्ण ज्ञान का पवित्र घर है। यह देश जहाँ पर बुद्ध देव की करुण
जहाँ बरसी बुद्ध देव की करुण चेतन, यह वही देश है जहाँ भगवान बुद्ध ने, जहाँ महात्मा बुद्ध है ना, ये आपको फोटो में दिख रही है, कह सकते हैं भगवान बुद्ध ने अपनी करुणा करुणा चेतन में रहते बुद्धि, अपनी बुद्धि का जो है यहाँ पे ज्ञान बांटा था। हे महान अति भव्य पुरातन, वो कहता है गूंजे का ये गान हमारा, यह भारत देश चाहे कितना ही प्राचीन है, ये भव्य है, लेकिन आज भी ये मान है उसकी जो गौरव गाथा है वो आज भी हम गाते हैं। है क्या इससे कोई जगत में भारत देश हमारा? फिर वो कहता है क्या कोई और देश है जो भारत देश की बराबरी कर सकता है? नहीं। विघ्नों का दल बढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत न होंगे। फिर वो कहते हैं भारती ही एक ऐसे हैं, अगर मुसीबतें आ जाएं, विघ्न कहते हैं मुसीबतें आ जाएं तो भी हम भयभीत नहीं होंगे, डरेंगे नहीं, अब ना रहेंगे दलित दीन हम। अब दलित दीन का मतलब होता है हम गरीब नहीं रहेंगे, हम ना किसी के हीन रहेंगे और किसी के अधीन भी नहीं होंगे। शूद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कभी ना ओछे कर्म करेंगे। शूद्र स्वार्थ का मतलब होता है छोटे स्वार्थ होता है जो केवल अपने बारे में होता है, कि ऐसे अपने शुद्ध स्वार्थ यानी छोटी सोच जो केवल अपने बारे में सोचता है उसके लिए हम कभी बुरे कर्म नहीं करेंगे जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। पुण्य भूमि है भारत हमारा, जग की को हम भीख न लेंगे। फिर वो कहता है कि पुण्य भूमि ये हमारा भारत देश जो है, हमारी पवित्र भूमि है भारत माता, और हम जो है इस संसार को भीख में नहीं लिया, हमने हमें भीख में नहीं मिली, ये हमने खुद प्राप्त की है। मिश्री मधु सेवा फल सारे देती हमको सदा यही है। फिर वो कहती है कि यहीं पर मिश्री मधु सेवा फल, यानी कि मधुर वाणी सेवा फल ये सारे यहीं पर होता है, क्योंकि विदेशों में तो क्या होता है हम साथ नहीं रहते, माता पिता की सेवा नहीं करते, ये सारी भावनाएं इसी देश में बच्चे को सिखाते हैं। कदली चावल अन्न विभीत अरु और सुधा में लुटरी, कदली मैंने होता है केले के वृक्ष, अरु मैंने होता है ओ चावल अन्न और अनेक प्रकार के अन्न जो हैं इस यहाँ की जो धरती है वो अमृत के समान, सुधा में होता है अमृत के समान शीर मैंने और दूध जो है लुटा रही है। आर्य भूमि उत्कर्ष में ही है गूंजेगा गान हमारा, वो कहता है कि यह भूमि जो है सबसे उत्कर्ष मैंने होता है श्रेष्ठ, यह भूमि सभी में श्रेष्ठ है, यही जो है हर जगह पर गान है, यही गान है। कौन करेगा संता इसकी महिमा में देश हमारा, इस संसार के समान कोई नहीं है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, यह हमारा देश की महिमा अपरंपार है। तो इस कविता में आपने पढ़ा कि निराला जी ने भारत देश की महिमा बताया कि भारत की बराबरी कोई नहीं कर सकता, भारत देश जो है सभी में बढ़कर है, और जब और प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना प्रत्येक भारतीय के अंदर है, और इसके लिए वो अपने जीवन का बलिदान देने से भी नहीं चूकते। धन्यवाद।